हॉरर मूवी देखने का क्रेज अलग लेवल का है, क्योंकि बहुत कम मूवी रिलीज होती है पूरे साल में, और हाल ही में रिलीज हुई इविल डेड राइज मूवी जो कि थिएटर में है, और थिएटर में मूवी देखने का अलग ही मजा है अगर हॉरर मूवी हो तो। अगर आप कमजोर दिल वाले हो तो ये मूवी जाने का प्लान प्लीज कैंसिल कर देना। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई मूवी देखते वक्त आराम से पॉपकॉर्न एंजॉय करेंगे, तो मैं बता दूं कि आप नहीं एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि इस मूवी के सीन्स इतने डिस्गस्टिंग और क्रीपी है कि मतलब आपको उल्टी आ जाएगी। लिटरली मूवी में 4 बार ऐसा होता कि मैंने क्या था, क्योंकि और मैं इसके पीछे लगता अरे इधर नहीं जा वॉशरूम में, खाने की कोई चीज मत रखेगा साथ में। इस मूवी के हम दोनों के अलग अलग ओपिनियन है, किसी को ये बहुत ज्यादा अच्छी लगी है और किसी को ओके ओके लगी है। अगर इस मूवी की बात करें तो हर हॉरर मूवी में क्या सीन होता है कि एक फैमिली होती है वो कहीं और शिफ्ट होती है, वो गलत घर में शिफ्ट हो जाती है, फिर वहां से उनको भूतियां चीजें दिखना और वो सब चीजें होती है। इस मूवी की स्टोरी बिल्कुल अलग है, ये मूवी शुरू से ही आपको डरा के रख देगी और कहीं ना कहीं मतलब आपको ऐसे मजबूर कर देगी आप अपनी आंखें बंद कर लो, बिकॉज सीन्स इतने अजीब है। इस मूवी की कास्ट बहुत ही छोटी है, सिर्फ 5 लोगों में, और एक रात में पूरी मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन वो एक रात भी उन लोगों के लिए जो उस मूवी में कैरेक्टर्स और आपके लिए इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं सोचो मत। मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज पता है इस मूवी क्या लगी, कि मूवी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको बस ऐसे बैठा के रखेगी, ना ध्यान इधर ना उधर, मन में एक अजीब सा डर, जो हॉरर मूवी की एक्चुअल डेफिनेशन होती है ना कि देख के लगे डर, वो इस मूवी में मेरे को दिखा। वो लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं, ये सिर्फ स्टार्ट में होगा, मतलब स्टार्ट में थे वो सीन, एंड तक आते आते ये ऐसी ज़ॉम्बी मूवी बन जाती है। मतलब मैं तो ऐसे हुई थी ब्रो जस्ट स्टॉप इट, मतलब अभी खत्म कर दो, क्योंकि हां Although the story is very different, मतलब वो कैसे बचती है, वो लोग कैसे बचते हैं, उनमें कितने लोग बचते हैं, वो चीज देखने आपको मजा आएगा, लेकिन आप ना उसके सीन्स की वजह से थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, जो मैं हुई थी। हाँ मतलब यार ये लड़कियों को हो सकता है कि थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो जाए। वैसे इसकी ये बात से मैं एग्री करूंगा कि हॉरर एलिमेंट होते होते एकदम से वो थोड़ा सा ज़ॉम्बी टाइप का और काटना पीटना थोड़ा ज्यादा हो जाता है और हॉरर थोड़ा सा जगह पे कम हो जाता है। इस मूवी की जो स्टोरी है वो हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हॉरर मूवी की स्टोरी आपको पता चल गई, पता चल गया आगे क्या होने वाला है, तो फिर तो मतलब मजा किरकिरा हो गया, तो हम वो नहीं करना चाहते। वैसे स्क्रिप्ट की हम लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस इतना सा मैं आपको बता देता हूँ कि हर घोस्ट मूवीज को अपन देख के एक प्रेडिक्शन तो कर पाते हैं कि भाई इसकी एंडिंग किस तरीके की होने वाली है, क्योंकि हर मूवीज में आज तक जो देखते हैं यही होता है कि भूत किसी के अंदर घुसता है और थर्ड पर्सन आके उसको निकाल देता है। लेकिन इस मूवी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डीमन कहाँ से आता है, मरता भी है या नहीं, या छुटकारा पा भी पाते हैं या नहीं, या किसी और पे हमला करने वाला है या क्या एग्जैक्टली और मतलब इसमें जिस तरीके से वो डीमन की एंट्री है वो मतलब इतनी अलग है, मैंने आज तक किसी हॉरर मूवी में देखी क्या है ऐसा, कैसे बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग है। इसमें आप कहीं पर ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि इसकी एंडिंग कैसे होगी, और एंडिंग ही हॉरर मूवी की सबसे मेन होती है। मतलब मुझे मतलब ऐसे मूवी बहुत ओके लगी, लेकिन कुछ सीन सच में बहुत अलग थे। मतलब कोई मेन स्ट्रीम आप हॉरर मूवी देखोगे तो आपको पता है ऐसा होगा वैसा होगा, डीमन घुसेगा ये होगा वो, पर इसमें ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। दैट्स रियली नाइस अबाउट दिस मूवी। तो मैं अब आपको बताऊंगी मुझे ओके ओके क्यों लगी। मुझे इसलिए लगी, मैं अपना जो माइंडसेट लेके गई थी वो एक हॉरर मूवी के हिसाब से लेके गई थी। इंटरवल से पहले तक वो लग रही थी हॉरर मूवी है, इनफैक्ट इंटरवल तक आते आते वो एक ज़ॉम्बी मूवी में कन्वर्ट हो गई। मतलब ऐसा लगा सिर्फ खून खराबा हो रहा है, किसी का फ्लैश निकल रहा है, किसी का सर फूट रहा है, तो एंड तक आते आते लाइक ठीक है अब इसको खत्म करो। सो मेरी जो मतलब एक माइंडसेट था ना उससे वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गई आते आते एंड तक, तो इसलिए मुझे थोड़ी ओकेश लगी एज हॉरर मूवी। अगर मुझे बहुत ज्यादा पसंद इसलिए है क्योंकि माना कि उसमें थोड़े से ब्रूटल सीन्स थे और थोड़ा सा स्टोरी ऊपर नीचे हो गई, लेकिन पूरी ओवरऑल मूवी बिल्कुल अलग थी जैसी हॉरर मूवीज होती हैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई और इंटरेस्टिंग भी लगी शुरू से लेकर एंड तक। अच्छा इस मूवी का तेरा फेवरेट पार्ट कौन सा होता है जहाँ पर तू सो जाती है? मैं तो यार स्टार्टिंग में काफी पार्ट्स में हूँ, यार हॉरर मूवी में बता नहीं सकते ना, बता देंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा। अच्छा चलो स्टार्टिंग में हुई थी, बीच में थी, एंड में हुई थी? स्टार्ट में फॉर श्योर। अच्छा मूवी में बार बार ही बोल रहे हैं स्टार्टिंग के सीन, स्टार्टिंग के सीन, तो मूवी को ध्यान से देखना, सीन आते आप समझ जाओगे कि हम किस सीन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं बताऊंगी नहीं ऐसे। अच्छा तो इस मूवी को कितने स्टार देना चाहिए तू हॉरर मूवी के अकॉर्डिंग, बाकी मूवी से कंपेयर मत कर? मैं 4 देती ऑनेस्टली बता रही हूँ, 4 देती, बट वो ज़ॉम्बी वाले उसकी वजह से 3.75। मैं तो अभी 4 दूंगा, 4 स्टार मेरे लिए तो है, मतलब ये देखने लायक है मूवी, याद रखो देखना तो चाहिए, फॉर श्योर देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। यस ओके सो गाइस बस इतना ही, और ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।